नमस्कार जी। कई बार ऐसे लगता है कि आने वाले समय में दलहनी फसलों में भी खड़ी फसल में यूरिया देना पड़ सकता है, जैसे हम आज धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार इन फसलों में सीरियल्स में देते हैं, वैसे ही दलहनी फसलों में भी खड़ी फसल में हमें यूरिया देना पड़ सकता है। ये मेरी शंका है, हो सकता सही हो ना हो, क्या पता हम समय से पहले सुधर जाएं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें बैक्टीरिया होता है, और उस वो बैक्टीरिया वायुमंडल की फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। ये बात आपने बहुत सुनी होगी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये बैक्टीरिया इस पौधे की जड़ में कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जब हमें पता चलेगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है तो हमें कई चीज़ों का ये भी पता लगेगा कि क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं या क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से ये परेशान होता होगा और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पा रहा होगा वर्तमान परिस्थितियों में। जैसे ये प्लांट है, इसमें मूंग का, इसमें फ्लोरिंग होने वाली है, इसमें एक भी आपको नोडुल नहीं दिख रही है, इसमें कोई क्यू दिख रही है, फसल ऊपर से सवस दिख रही है लेकिन नोडुलेशन नहीं है। तो ये मेरी शंका फ्यूचर में ठीक होती लग रही है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। एनीवे, बात स्टार्ट करते हैं। ये जो दलहनी फसलों में ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है, देखिए आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुदरत का करिश्मा समझ में आएगा। देखिए, पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन, और कुदरत ने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस बनाई वो भी नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, लेकिन पौधा उसको ले नहीं पाता क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होता है, N2 फॉर्म में होता है, N के 3 बॉन्ड होते हैं, जाने दो इस बात को। तो कुदरत ने गैस तो बना दी 78% सबसे ज़्यादा जो पौधे को ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसको पौधा सीधा नहीं ले सकता, वो किसी दूसरे जीव के मार्फत ले सकता, ऐसा उसने एक सिस्टम बनाया। और वो दूसरा जीव दलहनी फसलों के साथ में इनके साथ में मिलकर जो इनको नाइट्रोजन देगा वो है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है कि जब आपका पौधा उगता है और उगने के बाद में वो सीड में, उसके बीज में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो जब तक लेता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन से उसको नाइट्रोजन, अपने पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है, तब इस पौधे की जो जड़ है वो अपने इस जड़ से, ये पौधा जड़ भी कौन सी, जो रूट हेड्स होते हैं, बहुत बारीक जड़ें होती हैं, वो कुछ फ्लेविनोइड्स सीक्रेट करते हैं, यानी आप यूँ समझे कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जब उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत महसूस होती है, तब वो यहाँ केमिकल सीक्रेट इस जड़ के आसपास करता है ये पौधा। उसमें आपके अमीनो एसिड हो सकते हैं, आपके डाई कार्बोक्सिक एसिड हो सकता है, मतलब आप यूँ समझें कि कुछ फ्लेविनोइड्स, कुछ ऐसे केमिकल ये रिलीज करती है जड़, जिसकी वजह से इस जड़ क्षेत्र के आसपास के जो भी बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो राइजोबियम उस केमिकल से मतलब आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके इस जड़ की तरफ से वो आपका पूरा जो इस एरिया का जो राइजोबियम है वो इस जड़ की तरफ बढ़ता है। और इस जड़ की तरफ जब बढ़ता है, और वो देखिए एक बहुत ध्यान देने वाला बात है कि ये पौधा एक खास केमिकल रिलीज करेगा और वो एक खास बैक्टीरिया राइजोबियम, और राइजोबियम में भी अलग अलग स्ट्रेन होती है, उसी को आकर्षित करेगा। तो मतलब कौन सा पौधा किस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को आकर्षित करेगा ये डिपेंड करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई सोयाबीन बो रहे हो तो राइजोबियम जेपोनिकन से उसको उपचारित करो। एनीवे, ये जो जड़ है इससे जो फ्लेविनोइड्स निकले, इसके बाद में ये फ्लेविनोइड्स की वजह से बैक्टीरिया इस जड़ क्षेत्र के आसपास आ गया और वो इससे, इस रूट हेयर के पास में आके यहाँ इससे अटैच हो गया, अटैच होता है, और उस टाइम वो एक नोड फैक्टर, वो बैक्टीरिया भी एक केमिकल रिलीज करता है, नोड फैक्टर जिसको बोलते हैं, नोडुलेशन फैक्टर बोलते हैं, उसकी वजह से ये रूट हेयर में कर्लिंग आ जाती है, ये इसे घूम जाता है, और ये घूमने के, ये बहुत ही माइनर होता है, दिखता नहीं है, पर ऐसे घूमता है, इस घूमता है, और उसके बाद में कर्लिंग होने के बाद में
ये बैक्टीरिया इसकी कोशिका भित्ति, इस जड़ की कोशिका भित्ति को ब्रेक करते हैं और बैक्टीरिया अंदर होते हैं, और उसके बाद में जैसे ही ये कोशिका भित्ति को ब्रेक करता है, ये पौधे की जड़ उस बैक्टीरिया का वेलकम करती है और वो पौधे की जड़ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, और उसमें बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है, उसको इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं वैसे। और जब बैक्टीरिया इस जड़ के अंदर चला जाता है तो कॉर्टेक्स में जाके वहाँ हर एक बैक्टीरिया के चारों तरफ प्लांट मेम्ब्रेन यानी पौधे का कुछ पार्ट माने आप, वो उससे लग जाता है और वो वहाँ से मल्टीप्लिकेशन होती है और वो गांठ का रूप वो वहाँ यहाँ आके ले लेता है। इस गांठ में ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो इस ज़मीन में नाइट्रोजन गैस है उस गैस को ये बैक्टीरिया जो इस जड़ के अंदर बैठा है वो नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में ये फ्री नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में इस पौधे को देता है। और ये यदि हमने खेत में हमारे कुदरती माहौल बना के रखा है तो ये उस पौधे की रिक्वायरमेंट का 25-90% नाइट्रोजन ये जड़ से लेने, उसको ज़मीन से लेने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है हमने कैसी परिस्थिति उस ज़मीन की छोड़ रखी है, 25-90% नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया देने की कैपेसिटी है। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। और इस पौधे को उसके बदले में पौधे से क्या लेता है बैक्टीरिया, ये कुछ शुगर और मतलब कुछ खाने पीने का अपना मटेरियल इस पौधे से लेता है और उसके बदले में इसको ये नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता रहता है, ये सिस्टम होता है। अब बात है कि कुदरत ने इतना अच्छा चीज़ सिस्टम बनाया है और इसकी पौधे की 90% आवश्यकता ये पूरी कर सकता है, इस पौधे को पूरा अच्छे से चलाएगा ये बैक्टीरिया की नाइट्रोजन, और जब ये पौधा चला जाएगा तो अगले सीजन में वो नाइट्रोजन अगली फसल को मिलेगी। लेकिन फिर ये मेरी कहाँ से चिंता आएगी भाई, आने वाले टाइम में हमें यूरिया ऊपर से देना पड़ सकता है। तो इसे समझें, इसको इस चीज़ से समझा जा सकता है कि ये नाइट्रोजन कितनी फिक्स करेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें एक मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ये बैक्टीरिया उस कंडीशन में अच्छा काम करेगा जब आपके टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस पे हो, वो इसके लिए आइडियल सिचुएशन। लेकिन खेत में 25-30 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं हमेशा होता, बहुत कम टाइम में साल में ऐसा होता होगा 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव करता है और 25 से नीचे तक भी सर्वाइव करता है। लेकिन जैसे ही आप 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तब ये बैक्टीरिया आपके अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ेगा, वहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना इफ़िशेंटली नहीं कर पाएगा। इवन ये बैक्टीरिया 60 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रहता है, रूट नोडुलेशन कर सकता है, लेकिन वहाँ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कम कर पाएगा। सो और सिमिलरली यदि बहुत लो टेम्परेचर है उस केस में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना नहीं कर पाएगा। इवन ये कुछ पेपर हैं कि सोयाबीन में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो ये नोडुलेशन है, गांठ जो बनाने वाला बैक्टीरिया उसका मतलब ग्रोथ चेक हो जाती है। एनीवे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हमने इस टेम्परेचर वाले फैक्टर को कैसे इसके साथ खिलवाड़ की है। हम जैसे खेतों में आग लगाते हैं और कई मेरे को किसान है बहुत अच्छी खेती करते हैं, वो कहते हैं साहब कई सालों से लगाते आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, आग लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सोचें जब हम आग लगाते हैं तब 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता होगा खेत का, उस टाइम इन माइक्रोब्स की क्या हालत होती होगी। और आप हम आग लगाते हैं और आग लगाने के नेक्स्ट ईयर हम सोयाबीन या कोई दलहनी फसल बोएंगे तो फिर ये गांठें बनती हैं, तो ये बैक्टीरिया मतलब मरता नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। पर ये जस्ट मेरी एक फिलोसॉफी है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि ये सब मेरी कोई रिसर्च स्टडी नहीं है। पर मतलब कुछ चीज़ें कोरिलेट करते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे आप हमने नलाइयों में आग लगाई और नेक्स्ट ईयर भी वो बैक्टीरिया है, तो इसका एक कुछ मतलब लिटरेचर ऐसा भी मिलता है कि उस हाई टेम्परेचर पे वो मतलब उस हाई टेम्परेचर को सहने वाली कुछ स्ट्रेन बच गई होंगी, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में उतनी इफ़िशेंट नहीं है। मतलब इस चीज़ को यूँ समझे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बहुत तेज़ी से कर सकती हैं वो राइजोबियम की स्ट्रेन है, या मतलब कह दो कि वो उसकी जाति जो है
वो मतलब 20 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करती होगी, और जो आपके 60 70 डिग्री सेल्सियस पे जो सर्वाइव कर रही है उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की उतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं होगी। तो हो सकता है वो जड़ में गांठ भी बन रही होगी लेकिन वो गांठ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में उतना समर्थ नहीं होगी जो मीडियम टेम्परेचर वाली होगी। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो हम नोलाई जला दें खेत में आग लगा रहे हैं, या आग लगाने से थोड़ा और थोड़ा हल्का काम जो हम सामान्य हर कोई काश्तकार हम जैसा आदमी हर कोई करता है, जो हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे मई जून के महीने में खेत एकदम से ओपन पड़ा है और जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पे उन स्ट्रेन जो अपने लिए बेनिफिशियल स्ट्रेन उनका क्या हालात होता होगा। अब सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो बता दी। तो सॉल्यूशन ये लगता है कि देखो रेजिड्यू का मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, फसल अवशेष का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ये हमारा फॉल्ट है। लेकिन प्रकृति को तो ये चाहिए कि आपकी हमारी ज़मीन तो कवर रहे ऊपर से, वो चाहे फसल अवशेषों से कवर रहे या वो किसी जिंदा फसल से हो, या जिसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि गर्मियों में हम हरी खाद करें या हम मूंग की फसल बोएं या हम नौलाइयों को ज़मीन के ऊपर ही पड़ा रहने दें, वो हमारा अपना मैनेजमेंट का तरीका है। लेकिन वो एक्सट्रीम टेम्परेचर सोइल के इस माइक्रोब्स को, हम आज एक माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, राइजोम की बात कर रहे हैं, उसको वो परेशान करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर पीएच है। यदि ज़मीन का बहुत कम पीएच है तो ओबियसली बैक्टीरिया कम पीएच पे पसंद नहीं है, बैक्टीरिया को हाई पीएच पसंद है। पर हाई पीएच का मतलब ये भी नहीं कि 8.5 से ऊपर पीएच जा रहा है वो बैक्टीरिया को पसंद है। बैक्टीरिया मतलब 7 से 8 पीएच के बीच में, 6 से 8 पीएच के बीच में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो हमारे जहाँ आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोगों के पीएच वाला ज़्यादा हर्डल नहीं है, इन पीएच में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता होगा। लेकिन जो पीएच यदि बढ़ता है तो कई स्टडी ऐसी हैं कि बहुत हाई पीएच पे इस राइजोबियम की एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, उतना इफिशियंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। पीएच के अलावा पानी का है, बहुत पानी भरा हुआ है या बहुत लंबा सूखा लगता है ज़मीन में, बिल्कुल ड्राइनेस है, तो वो भी इस की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की इफिशियंसी है उसको कमज़ोर करता है। इसके अलावा मेटल्स और पेस्टिसाइड का भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रभावित करता है। जैसे मेटल्स मतलब हैवी मेटल्स जिसमें लोह, ये लेड वगैरह आता है, तो ये तो यदि मैं आपके फार्मर लैंग्वेज में कहूँ तो जहाँ शहरों का गंदा पानी वगैरह आता है उस केस में हैवी मेटल्स ज़्यादा आती हैं, वो हर किसी के प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ पेस्टिसाइड का ज़रूर है, यदि ओब्वियसली ये हर कोई जानता है, कोई नई बात नहीं है। यदि पेस्टिसाइड हम देंगे तो ओब्वियसली इस राइजोबियम पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। और ये ऐसी जो स्टडी हैं ये स्टडी बहुत टाइम के बाद होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होती हैं, तो इतनी ज़्यादा आप किसी भी जो आज हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उसको पढ़ना चाहोगे कि राइजोबियम पे इसका क्या असर होता है, तो शायद वो उतना लिटरेचर अवेलेबल नहीं है हमें। लेकिन कुछ पुराने मॉलिक्यूल जैसे आप कुछ फंजीसाइड को याद कर पा रहे हैं, तो जैसे केप्टान है, थायराम है या एप्रोन है, इनके इसके राइजोबियम की एक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट है। तो पेस्टिसाइड भी हम कोई भी केमिकल यदि एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो ओब्वियसली हर किसी माइक्रोब के लिए वो नुकसानदायक है। यदि वो हमारे शत्रुओं को मार रहा है तो वो हमारे मित्रों को कहीं कहीं नुकसान करता है, भले कम करें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि नाइट्रेट कितना आपकी ज़मीन में, यानी कि पौधे को, इसको सिंपल यूँ समझा जा सकता है कि यदि पौधे को हमने नाइट्रोजन पूर्ति के लिए उसको ऊपर से यदि यूरिया डीएपी बहुत ज़्यादा यदि दे दिया है, जैसे फसल की बात करें तो बेसल डोज के रूप में हमने डीएपी वगैरह दिया है, थोड़ा नाइट्रोजन दिया, तो इट्स ओके, क्योंकि वो हम सोइल सिस्टम को दे रहे हैं, शुरू में प्लांट की ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन फिर खड़ी फसल में यदि हम एक्सेस कोई फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे यूरिया वगैरह दे रहे हैं, तो उससे इसकी ग्रोथ पे या इसकी जो एक्टिविटी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पौधे को नाइट्रोजन आप हम ऊपर से दे रहे हैं, उसको आराम से नाइट्रोजन मिल रहा है, तो वो इसके साथ सहजीवन इस बैक्टीरिया के साथ क्यों करेगा, क्यों अपनी थोड़ी भी एनर्जी इसको देगा, तो वो अपने जो ये केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जड़ की तरफ, वो ही बहुत कम रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तो उतनी ज़्यादा नोडुलेशन ही नहीं होता है। तो ये ऑब्वियसली हाँ ये बात ठीक है कि यदि हमारे ज़मीन में उतना ये राइजोबियम
या उतनी अच्छी स्ट्रेन है ही नहीं, और उस केस में हम ऊपर से यूरिया देंगे तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन यदि कुदरती माहौल है खेत का हमारा और कुछ अच्छी सिचुएशन हमने मेंटेन कर रखी है, तो उस केस में और वहाँ मतलब राइजोबियम की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो उस केस में हम यदि यूरिया वगैरह देंगे तो इसकी एक्टिविटी पे तो नुकसान है ही। लेकिन लेकिन हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं कि राइजोबियम है जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देगा, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन मत दो। पर जो हालात ज़मीन के हैं, जो एक्सट्रीम से ज़मीनें गुजरती हैं, कभी बहुत हाई टेम्परेचर से, कभी लो टेम्परेचर से, कभी बहुत ज़्यादा पानी भराव की स्थिति में, कभी एकदम सूखे की स्थिति में, ये इस टाइप की सिचुएशन जैसे ज़मीन गुजरती हैं, कभी वो आग की चपेट में ज़मीन आती है, तो उसमें क्या वो बेनिफिशियल जो राइजोबियम की स्ट्रेन है, बची हैं जो इफ़िशेंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ये बहुत ही बुरे दौर से ये सोइल सिस्टम गुजर रहा है। हम क्या करें इन सूक्ष्म जीवों को जिंदा करने के लिए, स्पेशली राइजोबियम की आज हम जब बात कर रहे हैं, तो एक तो बॉस जब ऐसे ज़मीन के हालात हैं तो हमें बीज राइजोबियम कल्चर वगैरह से उपचारित कर देना चाहिए। और वैसे यदि एक बार हम राइजोबियम से बीज उपचारित कर देते हैं, 2-5 साल में हम दलहनी फसल लगा लेते हैं, तो हमें बार बार इससे बीज उपचारित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे बैक्टीरिया तो हमारे सोइल में रहेगा ना। पर यदि हम बीज उपचारित करते हैं तो वो बीज के पास ही वो राइजोबियम के बैक्टीरिया रहते हैं और वो जल्दी से उससे के लग के नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बीज उपचारित करना एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन हमारे ज़मीन में ये राइजोबियम बना रहे, बीज उपचार जैसी चीज़ों में हम फंसे ही नहीं, उसके लिए ये आपके हमारे मानने न मानने की बात है। लेकिन हम इतना याद रखें कि यदि हमें इन माइक्रोब्स को अच्छे से ज़िंदा रखना है, अच्छे से मतलब इनकी डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, तो हम वो करें जिससे हमारी फसल ऊपर खुश रहे। यदि हमारी फसल ऊपर मतलब खुश है, वो ठीक है, वो उसको अच्छी हमने परिस्थितियाँ दे रखी हैं प्राकृतिक तौर से, तो नीचे का जो बेनिफिशियल सोइल के माइक्रो फ्लोरा फ्यूना है वो भी ऑब्वियसली अच्छी कंडीशन में होंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी, थोड़ी डिटेल्ड हो गई। आपको और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप लिख सकते हो। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।